एसीपी साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। अपनी जान पर खेलकर आप लोगों ने इतने बड़े केस को चुटकी में सॉल्व कर दिया और हजारों लोगों की जान बचा दी। ये तो मेरी पूरी टीम का कमाल है। और तो मेरे टीम का एक भी सदस्य पीछे हटना नहीं जानता। देश की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने देश की जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। इस मंत्र के साथ मैं एसीपी प्रद्युमन। सुना बस, ये प्रद्युमन है ना, घोड़े पे सवार हो गया है और ये सीआईडी वाले तो सर पे चढ़ गए। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एसीपी रोता हुआ नजर आएगा। खून क्या शुरू होएगा एसीपी प्रद्युमन? बॉस, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? सीआईडी वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा मैं। कुछ तो बताइए, मुझे भी थोड़ी खबर होनी चाहिए। अच्छा, तुझे भी खबर होनी चाहिए है? जो काम दिया था किया तूने? बॉस, वो काम तो मैं कब का कर चुका हूँ। इसे कहते हैं वफादारी। तो अब वफादारी का इनाम भी देना चाहिए तुझे। अच्छा, गन है तुम्हारी? तुम्हारे पास है बॉस? आजा बैठ, आजा आजा बैठ। अरे चोर चोर, मेरा बाइक लेके भाग रहा। अरे कोई तो पकड़ो ना। कहाँ गया? अभी तो यही था। निकल बाहर, मेरा बाइक दे, निकल। लाश, यहाँ पे लाश। यार जमाना आ गया है, लोगों को दिन दहाड़े मार के डाल दिया जा रहा है। अरे अरे, क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या? मैं जरा देख रहा था कि इसे मारा कैसे गया। पागल हो गया क्या? हाथ मत लगाना इस लाश को, सीआईडी वाले को बुलाना पड़ेगा। हेलो सीआईडी, पीछे हटो। चलो दूर दूर दूर, एकदम दूर। पहले भी हमने लाश तो बहुत देखी है, ये लाश कुछ अलग ही लग रही है। सर, इसकी बॉडी को छूने से ऐसा लगता है कि जैसे हमने रूई को छू लिया। सर, लगता है इसे मरे हुए काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया, मगर इसकी खाल अभी तक सड़ ही नहीं गई, थोड़ी सी अजीब हो गई है। पर इसकी बॉडी में से कोई बदबू भी नहीं आ रही। मुझे लगता है इस लाश को काफी टाइम से कहीं और रखा गया था और कल यहाँ पे लाके फेंक दिया। सर, अबे आसपास कोई भी हथियार नहीं है सर, और ना ही हाथापाई के कोई निशान मिले। ये लाश कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे गहरा राज छुपा हुआ है। सचिन, ये देखा, इसके कान में कुछ है। ये तो पीला लिक्विड है सर। जरा पॉकेट चेक करो उसको, देखो कुछ है के अंदर। सर, आप लोगों में से कोई इस आदमी को जानता है? हाँ सर, मैं एक चोर के पीछे भाग रहा था जो मेरा बैग लेके भाग गया। यही है वो चोर? नहीं सर, ये नहीं है। सर, क्या मेरा बैग दिला देंगे? कोशिश करते हैं, टाइम लगेगा। सर, इसके पास से सिर्फ ये मोबाइल मिला है और कुछ नहीं। सिर्फ मोबाइल? देखिए, इसने किसी को कॉल किया है या किसी का कॉल आया है क्या? कॉल लिस्ट तो खाली है, फोन बुक में सिर्फ एक ही नंबर है।
फोन करके देखते हैं। बेल जा रही है। फोन काट के? Oh my God. सर मैं मोबाइल कंपनी को फोन करके पता करता हूँ। देखिए नंबर है किसका? हेलो इंस्पेक्टर दया जी, हाँ हेलो हेलो, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। हाँ हाँ क्या, कहाँ पे, कब हुआ ये? ठीक है हम लोग वहाँ पहुँचने दें। सचिन, चौपड़ मार्केट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कई लोग मारे गए हैं, जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, चलो। आप लोगों को पीछे आना, कम से कम 10-20 फुट पीछे। अरे सब लोग हटिए, चलिए पीछे, चलो आइए, सब पीछे, सब पीछे हटिए, चलो चलो इस तरफ आइए, चलो सब लोग पीछे हटिए, चलो आप पीछे, चलो आइए आइए, चलो पीछे प्लीज, जल्दी प्लीज। अरे 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 माय गॉड, तो लगता है ब्लास्ट ज्यादा बड़ा नहीं था। ज्यादा बड़ा ब्लास्ट नहीं था, अगर बड़ा होता तो जमीन काफी दूर तक फट जाती है। चारों तरफ सिर्फ फटे हुए कपड़े और खूनी खूनी, लगता है ज्यादा लोग मरे। एक एक करके इन लाशों के टुकड़ों को उठा के जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कितने लोग मारे गए हैं। काम जरा मुश्किल है, मगर करना तो पड़ेगा। ये देखो, छितड़े उड़ गए, इन लाशों के टुकड़ों को एक एक करके इकट्ठा करो। रेडी विवेक, ये आसपास जो जो चीज मिल जाए वो सब उठा लो। जैसे ये इस गड्ढे के आसपास जो बारूद पड़ा हुआ है उसे उठा लो, जमीन पर जो खून पड़ा हुआ है वो भी उठा लो। आप लोगों में से किसी ने धमाका होते हुए देखा है? अच्छा, कितने लोग मरे हैं कुछ तो मालूम होगा किसी को? सर, आप कौन? मैं इस एरिया का ऑफिसर हूँ सर, इंस्पेक्टर कमल। आइए सर, इस ब्लास्ट में जगह पे 3 लोग मरेंगे सर, और 8 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कर दी गई सर। पता लगाने की कोशिश की बॉम्ब ब्लास्ट क्यों? नहीं सर, आज संडे है और मार्केट बंद है, यहाँ कोई नहीं था। और अच्छा हुआ मार्केट बंद था, वरना न जाने कितने लोग मारे जाते। खबरी ने बताया था कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है, जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक तो ब्लास्ट हो चुका था। एक लाश यहाँ पहले से पड़ी हुई थी? हाँ सर। तो कहाँ है वो लाश, दिखाई नहीं दे? सर हो सकता है कि इस ब्लास्ट की वजह से कहीं उड़ गई होगी, उसके टुकड़े मिलेंगे। थैंक्स सचिन, जो जो एविडेंस मिले यहाँ पे उन सबको डॉक्टर सालोंकी के पास भिजवा दो। लाश कब मिली? शादी में मिठाई हलवा खा लिया, पूछ लो दूल्हे का नाम क्या है? यार अगर ये पहले मिल जाती तो क्या इसमें घर में रख के बैठता? हमारे यार एक छोटा सा सवाल क्या पूछ लिया आप, तो उखड़ी गए। तू सवाल ऐसे पूछता? आज सुबह मिली है ये लाश? ये सवेरे की लाश नहीं है। फिर से दिमाग घुमा रहे हो यार, तो ये कोई मजाक नहीं है? अरे मजाक नहीं है बॉस, ये लाश आज सवेरे की नहीं है, इस लाश को 4 महीने हो गए। क्या 4 महीने हो गए? जी हाँ, इस आदमी को मरे हुए 4 महीने हो गए। 4 महीने? अगर ये आदमी 4 महीने पहले मर चुका था तो इस लाश में से बदबू क्यों नहीं है? वही तो, बदबू क्यों नहीं आ रही है यार? 3-4 महीने पहले की तो बात छोड़, 1 हफ्ते पहले की लाश भी हो ना तो भी वो गलने लगती है, बदबू आने लगती है। सर, सर इस लाश के ऊपर केमिकल लगाया हुआ है। केमिकल? तुम्हारा मतलब है एम्बामिंग किया है लाश को? That's correct, sir. इस बॉडी के अंदर एम्बामिंग फ्लूइड भरा हुआ है। वो क्या होता है? रेडी, लाश को ज्यादा दिन तक सही सलामत रखने के लिए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब लाश के ऊपर कई किस्म के केमिकल लगाए जाते हैं।
ताकि लाश ज्यादा देर तक सही सलामत रहे। चार महीने पहले मरे हुए आदमी की लाश हमें मिलती है, वो भी सड़क पर पड़ी हुई, तो इसे कहीं ना कहीं तो छुपा कर संभाल कर रखा हुआ था। मगर क्यों क्यों संभाल के रखा था समझे? ये जो बॉम्ब ब्लास्ट में लाश के टुकड़े मिले हैं, क्या पता चला इसे? बस इन पर अभी कुछ टेस्ट और करने, मैं जल्दी बताता हूँ। अभी जहां जहां से लाशें मिली थी वहां से पता लगाने की कोशिश की कि कौन कौन लोग घर से गायब है? वहां तो उल्टा ही है सर, कोई भी गायब नहीं। कोई भी गायब नहीं? हाँ सर, पिछले 3 महीने से कोई भी आदमी घर से गायब नहीं। बड़ी अजीब बात, कोई भी गायब नहीं मगर लाशें तो धनाधन आते जा रही है। लाशें कहीं और से आ रही है सर, या तो शहर के किसी दूसरे हिस्से से या फिर शहर के बाहर से। ये तो अच्छा हुआ उस समय मार्केट बंद थी, न जाने कितने लोग मारे जाते। वही तो, फिर भी अभिजीत इन लाशों का आपस में कोई ना कोई संबंध तो है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। पता चल गया बस, पता चल गया। क्या पता चला था? यही कि मार्केट में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो बॉम्ब एक लाश के पेट में छुपा हुआ था। लाश के पेट में बॉम्ब? बॉम्ब लाश के पेट में था, ये आप कैसे कह सकते डॉक्टर साहब? इतने सारे लोग मारे गए, हो सकता है किसी और चीज में रखा गया हो। बॉम्ब लाश के पेट में ही छुपा हुआ था। मैंने उस लाश को अच्छी तरह से देखा है, मुझे उस लाश के टुकड़ों में बारूद लगा हुआ मिला, वो बारूद जिससे बॉम्ब बनाया गया। समझे, वो सारे टुकड़े एक ही आदमी के थे? हाँ, उस आदमी के जो पहले से ही मरा हुआ था। मतलब ये वाली भी लाश पहली वाली लाश की तरह है? हाँ भी जी, इस लाश के टुकड़ों पे भी वैसा ही केमिकल लगा हुआ था जैसा पहले लाश के टुकड़ों पे लगा हुआ था। मतलब ये आदमी भी 4 महीने पहले मरा है? हाँ। अरे डॉक्टर साहब, ये पहले वाली लाश के पेट में कहीं बॉम्ब तो नहीं है? नहीं अभी जी, उस लाश में कोई बॉम्ब। दोनों की दोनों लाशें 4 महीने पुरानी, दोनों लाशों में केमिकल लगाया गया है, तो जरूर ये दोनों लाशें भी एक ही जगह पे रखी गई होगी। बिल्कुल, रखी कहाँ होंगी? बस किसी मुर्दा घर में। मुर्दा घर? दया सर, आप यकीन कीजिए, आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरे हॉस्पिटल से कोई लाश गायब नहीं हुई। भाई मेरे रिकॉर्ड के अनुसार हमारे हॉस्पिटल के मॉर्ग में इस वक्त 5 लाशें मौजूद हैं। अभी भी है? जी, 5 के 5। सर मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड के अनुसार पूरी 5 लाशें मॉर्ग में हैं। देखने में कोई हस्त तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, आइए अपनी आंखों से देख लीजिए। देखा, सिर्फ 2 लाशें हैं, बाकी 3 लाशें का मॉर्ग इंचार्ज कौन है? अभी बुलाता हूँ सर, अभी बुलाता हूँ। आपने बुलाया सर? निमेश, मैंने तुम्हें नहीं विशाल को बुलाया है। विशाल कहाँ है? विशाल सर तो आज आए नहीं। आए नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो 2 दिन से नहीं आ रहे, उनका फोन भी स्विच ऑफ है। 5 लाशें थी यहाँ पे, 5, 2 है, 3 लाशें कहाँ गई? पता नहीं सर, विशाल सर को मालूम होगा, हमें तो वो अंदर भी नहीं आने देते। एड्रेस चाहिए मुझे इस विशाल का। ये देखो कारिका, देखो समारे, ये देखो ये क्या है? ये इसके पेट में चिप है, सिम कार्ड जैसे कुछ। पेट के अंदर? पेट के अंदर। माय गॉड, ये देखो बॉस, इसी से धमाका हुआ। अब देखना ये है कि इस चिप में है क्या क्या। इस मोबाइल फोन पे भी बस एक ही नंबर है, 1802398877। एक ही नंबर? स्ट्रेंज ना? हाँ, अरे अक्सर मोबाइल पे 40-50 नंबर तो होते ही, इसमें एक ही नंबर। कमाल।
चिप तो एकदम खाली। बस खूनी बहुत ही होशियार है, कोई सबूत छोड़ नहीं रहा है। अरे कोई नंबर डायल करा है? अब ये नंबर बहुत ही सुनने लग रहा है मुझे तो। 18 ये तो वही नंबर है जो तारिका ने बताया थी। हाँ? इसके मोबाइल में है ना नंबर? राइट। हाँ सर, मैंने तो बस यूं ही ये बटन दबाया था, आई मीन डायल वाला। दोबारा डायल करो। वही नंबर। ओह गॉड। हाँ सर, क्या हुआ, कुछ और पता चला? हाँ पता चला है बॉस, ब्लास्ट में जो आदमी मरा उसके पेट में ये मिली है, ये चिप। चिप मतलब रिमोट से ब्लास्ट किया गया है? जी सर, इस मोबाइल को रिमोट कंट्रोल की तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सर एक बात और, ये रिमोट 3 किलोमीटर के रेडियस में ऑपरेट कर सकता है। ये रिमोट 3 किलोमीटर के एरिया में ऑपरेट हो सकता है? जी सर। तो इसका मतलब है उस लाश के पेट में से जो ब्लास्ट हुआ है वो भी इस लाश से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब दया सर ने जब इस मोबाइल से नंबर डायल किया तो उस लाश के अंदर बम फट गया। आजा। इसका एक ही मतलब है, दोनों लाशों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई कनेक्शन है। यहां बटन दबाया और वहां ब्लास्ट हुआ, लेकिन है कौन ये जो हमसे ये ब्लास्ट करवा रहा है? इसे कहते हैं हराम के पैसों का कमाल। एक मामूली सा नौकर, हॉस्पिटल में मॉर्ग का इंचार्ज, उसका इतना बड़ा बंगला। घर को देख के तो ऐसे लगता है कि आदमी नौकरी कम और गलत काम ज्यादा करता होगा। अरे बाप रे, इतनी भयानक बदबू। हाँ? इतने गंदे घर में रहता है विशाल, लगता है काफी दिनों से कोई रह नहीं रहा है घर में। घर के अंदर कुछ सड़ रहा है। रेडी? हाँ सर। बदबू इस लाश में से आ रही है। ये किसकी लाश है सर? विशाल के घर में और कौन हो सकता है? एक काम करो, पड़ोसियों को बुलाओ, उनसे पूछ के देखते हैं ये विशाल ही है कि कोई और। गले पे उंगलियों के निशान, किसने गला घोट के मारा है इसे? सर ये कौशल जी है, विशाल के पड़ोसी। विशाल, इसे क्या हुआ? ये विशाल ही है। हाँ साहब, ये विशाल ही है, पर इसे किसने मार दिया? वो जल्दी पता चल जाएगा। आप ये बताइए कि किस तरह का आदमी था ये विशाल? नौकरी पेशे वाला आदमी था, कभी जल्दी आता था, कभी कभी देरी से आता था। अच्छा, कभी कुछ उल्टा सीधा काम होते हुए देखा यहाँ इसके घर में? कोई गलत काम? नहीं साहब, ऐसे कोई गलत काम होते तो नहीं देखा, पर एक बार कुछ अजीब सी बात हुई। रात को एम्बुलेंस लेकर आया था ये। एम्बुलेंस? हाँ साहब, उसमें से 3-3 गोली नहीं निकाली थी उसने, पता नहीं क्या लेकर आया था। सामान नहीं था उन गोलियों में, लाशें थी, 3-3 लाशें। किसी ने कहा था शायद इसे लाशें लाने के लिए। सर अगर रिमोट वाली बात दया सर को पता चलेगी तो उन्हें तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा। सब लोग अपनी जबान पर ताला लगाओ, समझे? ये बात गलती से भी दया के सामने होनी नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना, खूनी पकड़ा जाएगा और जरूर पकड़ा जाएगा। एसीपी प्रद्युमन, या एसीपी, कैसा लगा धमाका? कौन हो तुम? धमाका कैसा लगा? सीआईडी वालों
तुमने खुद ही अपने हाथों से धमाका कर दिया। सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? वो कौन तुम? हाँ मैंने ये की थी, मजा आया ना। एक लाश में बॉम्ब और दूसरी लाश के पास रिमोट। हिम्मत है ना तो सामने आकर बात कर। खैर मैं तुम्हारे लिए एक काम और लाया हूँ। कैसा काम? तुम्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है जहाँ तुम्हें बताना है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट तुम लोगों ने ही किया था। क्या? तुम लोग बहुत शाना समझते हो ना अपने आप को। एसीपी के नाम से तो अच्छे अच्छे मुजरिम कांपते हैं, है ना? नहीं, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं करूंगा, समझे? नहीं तो बहुत पछताओगे। ये जो ब्लास्ट किया ना वो तो सिर्फ अभी ट्रेलर था, कहो तो पूरी फिल्म दिखा दूं। देख जरा भी तूने। और पहले की तरह छोटा नहीं, बड़ा ब्लास्ट होगा। सोचो कितने लोग मारे जाएंगे। एसीपी साहब कान खोल कर सुन लो, 12 घंटे के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए। और हाँ, मुझे ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ वो चोरी का है। बात खत्म होते ही मैं सिम कार्ड तोड़कर फेंक दूंगा, समझ गए एसीपी? ये तो मैं ढूंढ। हेलो हेलो हेलो, सर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब तो दया सर की कितनी बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा ना खाजा, बात पर ताला लगाओ, ताला लगाओ। आगे क्या करना है जल्दी पता चल जाएगा। जरा स्टिल दो तारेगा, जरा यहां से लाइट दो उसको। ओ तो आप गर्दन के ऊपर से उंगलियों के निशान उठाने वाले हैं? कुछ बताया डॉक्टर सोलंकी ने? मुझे तो एक कोने में खड़ा कर दिया डॉक्टर साहब ने। अब पूछे ना उनसे ऐसा क्यों किया। सोलंकी पीड़ित को कोने में खड़े क्यों कर दिया? बस धन्य हो तुम, तुम धन्य हो जो इतने सालों से ऐसे प्राणी को झेल रहे। सर तो 15 मिनट में ही आत्महत्या करने वाले। क्यों, क्या किया तुमने? सर मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कितने आदमियों ने गला दबाया होगा। सुन लिया ना, पता नहीं इसको कहां से अंतर्ज्ञान हो गया कि 3-4 लोगों ने इस आदमी का गला घोटा। अच्छा सारंग बता क्या पता चला इस लाश के बारे में? बस जिस किसी ने भी इस आदमी का गला घोटा है उसके या तो एक हाथ है नहीं या उसका एक हाथ खराब है, काम नहीं करता है। कौन सा? दाहिना हाथ, राइट हैंड। डॉक्टर साहब ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो दया, इसकी गर्दन पे जो उंगलियों के निशान है वो सिर्फ बाएं हाथ की उंगलियों के निशान है। डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि ये बाया हाथ इस्तेमाल करता हो, हाँ मतलब लेफ्टी हो। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो, अगर वो आदमी लेफ्टी भी है तो गला दबाने के लिए उसे थोड़ा बहुत तो दाएं हाथ का भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है खूनी जो भी है वो एक हाथ वाला है या फिर उसका एक हाथ काम नहीं करता। और खूनी वहां पर भी गया होगा जहां पर ब्लास्ट हुआ था लाश। सर इस ब्लास्ट वाली जगह पे चल के पूछताछ करते हैं कि किसी ने एक हाथ वाले आदमी को देखा है कि वहां पे घूमते फिरते हुए। हाँ देखा। सर जिस आदमी ने ये मार्केट में धमाका किया है वो तो पहले भी मार्केट में 4-5 बार जरूर आके गया होगा। लगता तो ऐसे ही है। आसपास जो दुकान वाले हैं इनसे पूछ के देखते हैं। ये ब्लास्ट तुम्हारे दुकान के एकदम सामने हुआ, कल से पहले किसी आदमी को यहाँ पे देखा? किसी ऐसे आदमी को जो तुम्हें लगाओ कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं होना चाहिए। नहीं साहब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है थैंक्स। वो देखा बैंक के ऊपर वहाँ कैमरा लगा हुआ? हाँ सर, तो उस कैमरे ने सब कुछ देखा होगा और सब कुछ रिकॉर्ड भी हुआ होगा। बम कैसे फटा, किसने फोड़ा, कहाँ पे रखा गया सब पता चल जाएगा। चलो बैंक में चल के रिकॉर्डिंग ले लेते हैं।
तो जहाँ पे पहली लाश मिली थी वहाँ पे एक फेरी वाला हुआ करता था, जो अब नहीं है। फेरी वाला गायब हो गया? हाँ सर। और अजीब बात यह है सर, उस फेरी वाले के गायब होने के बाद ये लाश दिखी वहां पे। तो फेरी वाला गायब हो गया और लाश दिखाई पड़ी सर। हाँ, सीढ़ी लगा दिया। रिवाइंड करो सर, फिर से प्ले करो। ये आदमी कौन है जो गाड़ी धकेल रहा है? एक मिनट एक मिनट, देखो इस आदमी के हाथ में कुछ है। हाँ याद है सरणखे ने क्या कहा था खूनी के बारे में? ये सर के खूनी का एक हाथ है ही नहीं, मतलब उसका दाया हाथ है ही नहीं, वो जो काम करता है अपने बाएं हाथ से करता है। कि यही तो खूनी नहीं हो सकता है। अब इसे ढूंढना कहां से शुरू किया जाए? क्यों नहीं, इस आदमी के गाड़ी पर कुछ है। जूम करो सर। दुकान का बैग है सर, नाम भी लिखा हुआ है। हाँ फोन नंबर भी होगा दुकान का। पता लगाओ इस दुकान में से कोई जानता है क्या इस आदमी। जल्दी से जल्दी इस खूनी को ढूंढना पड़ेगा सर, इसके पहले कि एक और ब्लास्ट करते हैं। एक और ब्लास्ट? हाँ, मुर्दागढ़ से तीन लाशें गायब हुई थी ना, तीन। हाँ सर। उनमें से दो हमें मिल गई है, एक अभी बाकी है। वो लाश हमें ढूंढनी है, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा होगा उसने। मुझे तो लगता है सर उसने लाश को कहीं भी डाल दिया होगा ब्लास्ट करने के लिए। कोई आएगा दया सर की तरह रिमोट दबाएगा और फिर धुड़ बम फट जाएगा सर। ये किस रिमोट की बात कर रहे हो तुम खड़े? हमें जो मोबाइल मिला था ना पहली वाली लाश के पास से, वो मोबाइल नहीं था सर, वो रिमोट था। रिमोट मतलब वो ब्लास्ट मेरी वजह से हुआ? दया वो तो किसी न किसी के हाथों से तो होना ही था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मतलब ये फोटो देखो, ये वो लाश है जो आपको सबसे पहले मिली और इसकी गर्दन पे कटे हुए का निशान देख रहे हो? है कैसा निशान? ये जानबूझ के बनाया गया है अभिजीत, जानबूझ के। ये रिमोट से बात क्या? हाँ, ये छोटी सी चिप, और अगर कोई गलती से भी इसकी गर्दन को जांचने के बहाने इसकी गर्दन पे हाथ लगा देता ब्लास्ट हो जाता। काम करो, इस मुर्दागढ़ से गायब हुई लाश वो तीसरी लाश, उसके बारे में पता लगाओ। अरे सर आइए, आइए। कुछ पता चला कि वो बॉम्ब किसने लगाया था? बस उसी के पीछे लगे हुए हैं, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब जरा ये फोटो देखिए एक और से। ये जो बैग है, ये बैग आप ही की दुकान का ना? अरे हाँ, ये बैग तो मेरी ही दुकान का है सर। ये आदमी कौन है, पहचानते हो आप इसे? इसे कौन नहीं जानता साहब, इसे तो मार्केट का बच्चा बच्चा जानता है। महेश है ये। महेश? हाँ सर, एक्टर है बेचारा, सीरियल और फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके गुजारा करता है, रोज नए नए वेश बदल कर घूमता है। हाँ सर, इसका एक हाथ भी नहीं है, मैंने हमेशा उसे बाएं हाथ से ही काम करते देखा है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, रहता कहाँ पे? नया नंबर लगता है उसी का होगा। हेलो एसीपी प्रद्युमन। माफ करना एसीपी साहब, फोन के लिए इंतजार करना पड़ा। तो बताइए क्या सोचा आपने? तुम्हारी बात मुझे मंजूर है। अरे वाह, एक झटके में मेरी बात मान ली, वो भी इतनी आसानी से? कहीं कोई चालाकी तो नहीं करने वाले एसीपी साहब, बता देना पहले से ही। कोई चालाकी नहीं है समझे, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मेरा फर्ज कह रहा है। जरा हमें भी तो पता चले क्या फर्ज है तुम्हारा। जानना चाहोगे मेरा क्या फर्ज है?
मेरा फर्ज है तुम जैसे भेड़ियों का इस देश की मिट्टी से नामो निशान मिटाना, समझे? अब जल्दी बता कहाँ करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या बोलना। सिटी हॉल शाम 5 बजे, सारा इंतजाम कर दिया मैंने, और ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। साथी कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी लोगों की जान नहीं लेगा। चांस तो लेना ही पड़ेगा विवेक, चांस तो लेना ही पड़ेगा। जब तक तीसरी लाश नहीं मिलती हमें नाटक चालू रखना है। 3 बज चुके हैं, 2 घंटे है प्रेस कॉन्फ्रेंस। काम करो, तुम लोग अभिजीत और दया के टच में रहो, पूछते रहना उनसे क्या करना है क्या नहीं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूं। कपड़े में से तो बदबू आ रही है। से लगता है मुर्दा करो से लाशों को लाके यहीं पे रखता था महेश। जरा देखो देखा सचिन, लाश को संभाल के रखने वाला केमिकल पूरा इंतजाम कर रखा है यहाँ घर में। और सर यहाँ पे बॉम्ब बनाने का पूरा इंतजाम किया गया। एक्टिंग के साथ साथ ये बॉम्ब भी बनाता था। लो, सब कुछ मौजूद है यहाँ इस घर में, खून करने से भेष बदलने तक का सामान। एक मिनट सचिन, एक मिनट, फोन को आप बता रहा, फोन में बॉम्ब लगा हो सकता है। सर आपकी बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट लेट है। मैडम एक बात ध्यान से सुनिए, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। जिस आदमी ने टिकट बुक किया है वो बहुत बड़ा अपराधी है, सीआईडी से ढूंढ रही है। वो अपराधी है? हाँ, अगर ये आदमी वहाँ एयरपोर्ट पहुँच जाए तो हमारे आने से पहले उसे कहीं जाने मत देना। ठीक है सर। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहे हैं। थैंक यू। चलो सचिन। हम लोग CID से, यहाँ पे बात हुई थी हमारी। हाँ हाँ सर, वो महेश शाम के पैसेंजर के बारे में जानना था ना आपको। वो आया क्या? नहीं सर, अभी तक आया था नहीं। ठीक है, हम लोग यहीं आसपास में हैं, अगर वो आ जाए तो इशारा कर। ओके सर। आपके साथ चलेंगे वह इस बार, हमने भी नहीं देखा बंदो। इतनी जल्दी में कटे जा रहे थे, बावला हो गया। जिसके पीछे CID पड़ी हो वैसे ही बावला हो जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा साहब। एक मामूली सा चोर है ना, मुझे देखा मैंने। मैं मोंटी हूँ साहब। मोंटी है तो फिर महेश बन के क्यों घूम रहा? मैं महेश बन के लिए घूम रहा साहब, इस शहर को छोड़ के भाग रहा था साहब। शहर छोड़ के क्यों भाग रहा था? वो महेश, महेश ने बोला था और उसने मेरी टिकट भी करा के दी और कहा तू बेंगलोर चला जा, आगे मुझे कुछ नहीं पता ऐसा। और ये महेश कहाँ है? मालूम नहीं मुझे। ये तो महेश का ही फोन था। एक काम करो, उसे बोलो कि तुम सही सलामत पहुंच गए एयरपोर्ट पे, एयरक्राफ्ट में बैठने वाले हो, और तुम उससे ये पूछना कि अभी वो इस वक्त कहाँ है। हेलो,
हाँ बच्चा, मुझे पता है तुझे सीआईडी वालों ने पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? सब पता है मुझे, फोन दे उसे। साहब, महेश को तो सब पता साहब। यहाँ तक पता, मैं आपके साथ में हूँ साहब। आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बोल। बहुत होशियार समझते हो ना तुम सीआईडी वाले अपने आप को। तू एक काम कर, चूड़ियां पहनकर घर पे बैठ, क्योंकि तेरे अंदर सामने आने की हिम्मत तो है नहीं। अगर तुझमें हिम्मत है तो सामने आके बात कर। इस तरह मेमियाने से तो अच्छा है तू एसीपी को जाके बचा। वो सिटी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। जैसे ही कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वहाँ पे एक धमाका होगा और सारे के सारे मारे जाएंगे। हेलो हेलो, ओह नो, एसीपी साहब की जान को खतरा है। हमें जल्द से जल्द सिटी हॉल में पहुंचना पड़ेगा। इसे भी ले लो साथ में, चलो हटिए प्लीज। यार वैसे तो एसीपी कभी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है, आज क्या हो गया? 3 घंटे में उसने सबको बुला लिया। हो सकता है कोई बड़ा केस मार लिया, उसी के बारे में बताने के लिए बुलाया होगा। प्लीज प्लीज सर, हमने कोई अर्जेंट। हाँ मैं बात करूंगा, सबके साथ बात करूंगा। फिलहाल बैठ जाइए आप लोग प्लीज। बस मुझे लगता है इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं है। हो सकता है दया और सचिन उस धर्म वास को लेके आ जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पर नहीं बोलूँ अभी इस वक्त तो पता नहीं वो बम ब्लास्ट कर सकता है। थोड़ा इंतजार कर लेते। अरे यार प्लीज ठीक है। तुम लोग यहाँ क्यों चल रहे? दया सर का फोन था, बोला एसीपी साहब के साथ साहे की तरह चिपके रहना। क्या? हाँ सर। दोस्तों आप लोगों को हैरानी हुई होगी कि आज मैंने खुद तुम सबको यहाँ बुला लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हैरानी तो है सर, आप तो कभी हम लोगों से बात ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए आज बात ही अलग। सवालों का जवाब बाद में देना एसीपी साहब, पहले ये बताइए कि कॉन्फ्रेंस रूम में लाश कहाँ से आई? लाश कॉन्फ्रेंस रूम में? जी हाँ। क्या मतलब है आपका? ये देखिए। एक मिनट हटिए प्लीज, टांगे देख लो। एक मिनट आप सब लोग बाहर जाइए प्लीज, बाहर जाइए प्लीज, जाइए बाहर प्लीज, प्लीज टांगे तो देख ले जल्दी यार। चलिए आप प्लीज 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 आप जाइए प्लीज, बाहर जाइए प्लीज। अरे इस पर तो मेकअप लगा हुआ। बस ये लाश भी पहले वाली लाशों की तरह ही है, 4 महीने पुरानी। 4 महीने पुरानी लाश? इसका मतलब है सड़के मुर्दा घर से जो लाशें गायब हुई है उसमें से यही लाश है, ये 3री लाश। और इसके पेट में बॉम्ब है सड़के। देख हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसके पेट में जो बॉम्ब है वो निकाल जल्दी सड़के। सर अगर ये बॉम्ब यहीं पे फट गया तो? फट गया तो फिर हम सब लोग ऊपर जाएंगे। क्यों भागना चाहते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, जल्दी कर सकते बम फट जाएगा। फट जाएगा तो फट जाएगा, हमारी फोटो लग जाएगी कहीं। बीस सेकंड बचे सर। रेडी, तुम सेकंड्स पे ध्यान दो।
कौन सा वायर काटू ये समझ में नहीं आ रहा है। सर 14 सेकंड। रेडी काजल, तुम रुक जाओ यहां से। नहीं सर, मरना है तो साथ में मरेंगे सर। समझे? संभल के समझे। गुड जॉब। एक बम को फटने से रोकने से क्या होगा? बम तो और भी हो सकते हैं, उन्हें फटने से कौन रोकेगा? कौन हो तुम? मौत। तुम सब सीआईडी वालों की मौत। महेश है ना, महेश। अरे वाह एसीपी साहब, पहचान लिया आपने मुझे। हाँ क्या चाहिए तुम? बदला, अपने बाप की मौत का बदला। तुम्हारे बाप की मौत का बदला? किसने किसने मारा तुम्हारे बाप को? तुमने, तुमने मारा मेरे बाप को। तुमने अनाथ किया है मुझे। मैंने मारा तुम्हारे बाप को? हाँ, प्रोफेसर विलास याद है? उनका बेटा हूं मैं। प्रोफेसर विलास? वही प्रोफेसर ना जो इंसान के शरीर में बॉम्ब कैसे फिट हो सकता है इस पर रिसर्च कर रहे थे। हाँ वही, तुमने उन्हें रिसर्च करने से रोक दिया। तुम्हारी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। बस बेटा, तुम्हारा सफर यहीं तक था, तेरा खेल खत्म। तुम क्या मुझे उड़ाओगे? मैं तुम सब देखूंगा। ये देखो, ये बॉम्ब मैंने अपने हाथों से बनाया है। अगर ये बॉम्ब फूटा तो 100 मीटर दूर तक तबाही मचा देगा। जरा सोचो कितने लोग मारे जाएंगे। वहां तुम्हारी गोली मुझे लगी और यहां बॉम्ब फूटा। जरा मैं भी तो देखूं कितना दम है सीआईडी वालों। चलाओ गोली, चलाओ। महेश, महेश तुम जो भी कर रहे हो गलत है। मेरी बात सुनो, बॉम्ब डिफ्यूज करो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। क्या गलत और क्या सही, वो यहां नहीं वहां। ऊपर वाले को जाकर बताना एसीपी। फिलहाल गुड बाय एसीपी। उसे गिरने मत दो, बॉम्ब फट जाएगा। संभल के, संभल के, संभल के। लेटा दो, लेटा दो। और इतने सारे वायर हैं, कौन सा वायर काटे? साल की जल्दी कर। हजारों लोगों की जानें बच गई। ग्रेट वर्क।